हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ई लर्निंग क्लास। आई एम रोशन कुमार, योर मैथमेटिक्स टीचर, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल, कुंती नगर, नवादा। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चन रिलेटेड टू ट्रिकोनमेट्रिक आइडेंटिटीज, एक्सरसाइज 13, क्लास 10। ओके, सो स्टूडेंट्स, माई फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉस क्यू थीटा प्लस साइन क्यू थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा माइनस साइन क्यू थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2। सो लेट्स स्टार्ट फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम LHS। कॉस क्यू थीटा प्लस साइन क्यू थीटा इज द फॉर्म ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू। ओके, एंड वी नो दैट कि ए प्लस बी का होल क्यू इज इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ओके, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू। ओके, बिकॉज कि दिस फॉर्म्स आर ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यू, एंड इसको इधर भेज देंगे तो माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ओके, सो स्टूडेंट्स वी यूज दिस फॉर्मूला कॉस क्यू थीटा प्लस साइन क्यू थीटा। सो वी राइट कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल क्यू माइनस 3 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ओके, इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। हियर स्टूडेंट्स ए क्यू माइनस बी क्यू, तो वी नो दैट कि ए माइनस बी का होल क्यू इज इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ओके, फॉर ए माइनस बी का होल क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस ए माइनस बी का होल क्यू। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल क्यू प्लस 3ab, तो 3 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एंड ए माइनस बी, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, सो स्टूडेंट्स इन दिस टर्म कॉस थीटा प्लस साइन थीटा वी हैव टू टर्म्स, 1 and 2 आर बोथ टर्म्स प्रेजेंट इन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। दोनों टर्म में क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा दोनों में मौजूद है। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल देंगे। बचेगा क्या, यहां कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, प्लस यहां कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉमन निकाल देंगे, बचेगा क्या, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और प्लस 3 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज कैंसिल, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज कैंसिल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको तोड़ेंगे, स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, माइनस 3 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 3 प्लस 3 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, स्टूडेंट्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस
माइनस थ्री कॉफ थीटा इंटू फाइन थीटा में टू कॉफ थीटा इंटू फाइन थीटा जाए क्या बचेगा, माइनस कॉफ थीटा इंटू फाइन थीटा, ओके। एंड कॉफ ऑफ कॉट थीटा प्लस फाइन ऑफ कॉट थीटा इज इक्वल टू वन, और प्लस थ्री कॉफ थीटा इंटू फाइन थीटा माइनस टू कॉफ थीटा इंटू फाइन थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉफ थीटा इंटू फाइन थीटा, प्लस माइनस इज कैंसिल, वन एंड वन इज इक्वल टू टू इक्वल टू आर एच एस। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इनटू वन प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ओके। एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, प्रूव दैट। सो फ्रॉम एलएचएस स्टूडेंट्स, वन प्लस कॉस थीटा, ओके, वन प्लस कॉस थीटा एंड माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं, बिकॉज कि वी नो दैट कि साइन ऑफ कॉट थीटा प्लस कॉस ऑफ कॉट थीटा इक्वल टू वन, और साइन ऑफ कॉट थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस ऑफ कॉट थीटा। हियर साइन थीटा इनटू वन प्लस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज वन माइनस कॉस थीटा इनटू वन प्लस कॉस थीटा, ओके, डिवाइडेड बाय साइन थीटा इनटू वन प्लस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा ऊपर से क्या करेंगे कॉमन निकाल देंगे, कॉस थीटा रेस्ट क्या बचेगा वन माइनस, वन माइनस कॉस थीटा, ओके, वन माइनस कॉस थीटा रेस्ट होगा, रिमेनिंग साइन थीटा इनटू वन प्लस cos थीटा, वन प्लस कॉफ थीटा, वन प्लस कॉफ थीटा इज कैंसिल, रेफ्ट इज वन माइनस वन प्लस कॉफ थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ओके, प्लस वन माइनस वन इज कैंसिल, दैट इज कॉफ थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉसेक थीटा इनटू कॉट थीटा, ओके स्टूडेंट। फ्रॉम एलएचएस लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन, फ्रॉम एलएचएस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय cosec theta minus cot theta. First of all students, we multiply by numerator and denominator of its conjugate. Okay? So cosec theta minus cot theta का conjugate हो जाएगा cosec theta plus cot theta. So we write cosec theta plus cot theta divided by cosec theta plus cot theta. ओके, फॉर ए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा तो इनटू कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर वी राइट डिवाइडेड बाय कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एंड वी नो दैट कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन सो cosec theta plus cot theta ka whole square this is equation 1, okay. Now from 1 a b right a plus b ka whole square to cosec square theta plus cot square theta plus 2 cosec theta into cot theta, okay, and ओनली टू कॉट स्क्वायर थीटा है कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉसेक थीटा इनटू कॉट थीटा ओके फॉर स्टूडेंट्स वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टू
cosec theta into cot theta. This is equation 2. From 1 and 2 we get, we write cosec theta plus cot theta by cosec theta minus cot theta equal to cosec theta plus cot theta ka whole square is equal to 1 plus 2 cot square theta plus 2 cosec theta into cot theta. Okay, students, our next question is question number 27. Sin theta plus 1 minus cos theta divided by cos theta minus 1 plus sin theta is equal to 1 plus sin theta by cos theta. Okay, so let's start for solution of students. From LHS, first of all we divide numerator and denominator by cos theta. Okay, so sin theta by cos theta plus 1 by cos theta minus cos theta by cos theta divided by cos theta by cos theta minus 1 by cos theta or plus sin theta by cos theta. First of all students, we divide all terms by cos theta. Okay, sin theta by cos theta equal to tan theta plus 1 by cos theta equal to sec theta minus 1. Cos theta is cancelled, divided by cos theta is cancelled, that is 1 minus 1 by cos theta, that is sec theta plus sin by cos is equal to tan theta. For students, tan theta plus sec theta and minus, we put the value of 1 is sec square theta minus tan square theta, because we know that sec square theta minus tan square theta is equal to 1. 1 minus sec theta plus tan theta. For students, sec theta plus tan theta is common. Sec theta plus tan theta, we write sec square theta minus tan square theta, that is a square minus b square. Sec theta plus tan theta into sec theta minus tan theta. Okay, and divided by 1 minus sec theta plus tan theta. The sec theta plus tan theta is common in both terms, so sec theta plus tan theta. Rest is 1 minus sec theta minus tan theta. Sec theta minus tan theta. Okay, divided by 1 minus sec theta plus tan theta. 1 minus sec theta plus tan theta. For students, sec theta plus tan theta, and we remove bracket, 1 minus sec theta or plus tan theta, divided by 1 minus sec theta plus tan theta. This is cancelled. So sec theta plus tan theta is rest. Okay, so sec theta we write given by cos theta, and tan theta equal to sin theta by cos theta. So take LCM cos theta, and here 1 plus sin theta. This is your RHS. Okay, students, our next question is question number 29. 1 plus tan theta plus cot theta into sin theta minus cos theta is equal to sec theta by cosec square theta minus cosec theta by sec square theta. Okay, so let's start for students from LHS. First of all, we multiply 1 into sin theta, that is sin theta, 1 minus cos theta, that is minus cos theta. Tan theta into sin theta plus plus plus
tan theta into sin theta, and tan theta plus minus minus tan theta into cot theta. Okay, plus cot theta into sin theta, plus cot theta into sin theta, plus minus minus cot theta into cos theta. Okay, so students, we write sin theta minus cos theta plus tan theta, को हम लोग चेंज करेंगे sin by cos में, तो sin theta by cos theta into sin theta minus tan theta equal to sin theta by cos theta into cos theta plus cot theta को चेंज करेंगे cos theta बटा sin theta into sin theta minus cot theta को cos theta बटा sin theta into cos theta. Okay, so students, cos cos is cancel, sin sin is cancel. We write the sin theta minus cos theta plus sin into sin, that is sin square theta by cos theta. Okay, and minus sin theta, here this is sin theta, and plus cos theta minus cos into cos, that is cos square theta by sin theta. Plus sin theta minus sin theta is cancel, minus cos theta plus cos theta is cancel. So students, sin square theta को हम लोग लिख सकते sin theta into sin theta by sin square theta 1 by cos theta into sin square theta. Okay, and minus cos square theta by sin theta को हम लोग लिख सकते 1 by sin theta into cos square theta. For students, 1 by cos theta equal to sec theta into sin square theta, क्या लिख सकते 1 by cosec square theta. Sin square theta equal to cosec square theta, cosec square theta equal to 1 by sin square theta. Minus 1 by sin theta equal to cosec theta, और cos square theta को हम लोग लिख सकते 1 by sec square theta. Okay, so students, this implies sec theta by cosec square theta by cosec square theta, sec theta multiply 1 by cosec square theta minus cosec theta into 1 cosec theta divided by sec square theta equal to RHS.